हरे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं, नारायणं नमस्कृतम्, नरं चैव नरोत्तमम्, नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम्, ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्, नष्प्रायेषु अभद्रेषु, नष्प्रायेषु अभद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके, भगवती उत्तम श्लोके, भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद एक अध्याय आठ श्लोक संख्या नौ। उत्रो वाच, रिपीट कर पाएंगे? उत्रो वाच, उत्रो वाच, पाही पाही महायोगिन, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वत् अभयम्, नान्यं त्वत् अभयम्, पश्येयत्र मृत्युपरस्परम्, पश्येयत्र मृत्युपरस्परम्। को रिपीट करेंगे? पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम्, पाहि पाहि महायोगिन, नान्यं तदभयं पश्ये, नान्यं तदभयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्, यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्र उवाच, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, नान्यं त्वदभयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम्, यत्र मृत्यु परस्परम्। माता जी में से कोई, मामी जी, पाहि पाहि महायोगिन, देव देवा जगत्पते, तात्पर्य भेजा हूं, नान्यं त्वद् अभयं पश्ये, अन्यं त्वद् अभयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम्, यत्र मृत्यु परस्परम्। और माता जी में से कोई,
पुत्रोवाच पाहि पाहि महाजोगीन देव देव जगतपते नान्यं तद्यभयं पश्ये नान्यं तदभियं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं यत्र मृत्युः परस्परं पाहि पाहि महायोगिन पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते देव देव जगत्पते नान्यं तद्यभयोपसे नान्यं तद्यभयोपसे यत्र मृत्युः परस्परं यत्र मृत्युः परस्परं पुत्रो वाच पाहि पाहि महायोगिन पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभ्ययम् नान्यं त्वदभ्ययम् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम् ओके और कोई पढ़ेंगे पढ़ना है कल पढ़ देंगे शब्दार्थ पर में एक शब्दार्थ पुत्रावाच पुत्रावाच पुत्र ने कहा पाही 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 रक्षा करें रक्षा करें महायोगिन महायोगिन सर्वोच्च योगी सर्वोच्च योगी देव देवा देव देवा पूज्यों के भी पूज्य पूज्यों के भी पूज्य जगतपते जगतपते हे ब्रह्मांड के स्वामी हे ब्रह्मांड के स्वामी ना ना नहीं नहीं अन्यम अन्यम दूसरा दूसरा त्वात् त्वात् आपके अतिरिक्त आपके अतिरिक्त अव्ययम् अव्ययम् भय से रहित होने का भाव पश्ये पश्ये देखती हूँ देखती हूँ यत्र यत्र जहाँ जहाँ मृत्यु 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 परस्परम परस्परम द्वैत जगत में द्वैत जगत में अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये शिव भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उत्तरा ने कहा हे देवादिदेव हे ब्रह्मांड के स्वामी आप सबसे महान योगिन हैं कृपया मेरी रक्षा करें क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़िए तथा आत्मा से निर्मित है कुछ कटा हुआ है क्या प्रभु जी कट गया है कट गया ना हाँ मैंने आपको भेजा है देखिए व्हाट्सएप चेक करिए नए नंबर से गया होगा न्यू नंबर से यह भौतिक जगत है द्वैत पूर्ण है जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैत पूर्ण जगत है पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान हैं और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा की द्वैत अस्तित्व के कारण
मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीवों के लिए भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हमारे वेदों में ये लिखा है, भाग्यो उदयेन बहु जन्म समाजितेन सत्संगम च लभ्यते पुरुषः यदोवतः। ये भागवत सुनना सबके बस की बात नहीं। क्या लिखा है? ये भागवत सुनना सबके बस की बात नहीं। ये तो वेदों में लिखा है। अब भगवान ने भगवद गीता में क्या क्या कहा? मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् येतति सिद्धः यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। कोई हजारों मनुष्यों में से हजारों होता है जो मुझे जान लेता है। कितना होता है? कितना परसेंट है? 50%? मैंने क्या बता रहे ऋषियों भगवान? मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् येतति सिद्धः। क्या बता रहे हैं कि हजार में से 500 जानेंगे, 900 जानेंगे, 800 जानेंगे? कितना बोल रहे हैं? कितना परसेंट आ रहा है? हाँ, मैथ का कौन स्टूडेंट है यहाँ पे बताइए? 0.01। क्या आप अपने भाग्य की कल्पना कर सकते हैं? थोड़ा कल्पना करके सोचिए। ये मेरे वचन नहीं है, हमने नहीं कहा है। देखिए, ये एक ऐसा मंच है, और ये बहुत सारे भागवत के मंच होते हैं, लेकिन इस्कॉन का एक ऐसा मंच होता है जहां से जो निकलता है वह किनके शब्द होते हैं? भगवान के शब्द होते हैं। जो वेदों में लिखा गया है, जो शास्त्र द्वारा प्रमाणित है, वही कौन बोल रहा है ये बात? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों में से एक 0.01% अपनी भाग्य की आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने भाग्यशाली हैं आप कि भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। सोचिए, 50% भी नहीं है, 10% भी नहीं, 1% भी नहीं है। थोड़ा इमेजिन करिए कि मतलब कितना पावरफुल है, मतलब कितना किस्मत वाले हम लोग, है ना? तो वैसे भगवान की करुणा तो बरसती ही रहती है, लेकिन लेने वाले सभी लोग नहीं होते। एक बार श्रील प्रभुपाद से सचिन नंदन महाराज या कोई प्रश्न किए कि प्रभुपाद, कितनी कृपा है आपके ऊपर, मैं महसूस कर रहा हूं, आपकी मेरे ऊपर कितनी कृपा है मैं महसूस कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, बहुत सुंदर कहा कि देखिए, कृपा तो मेरी, मैं सबके ऊपर, सब शिष्यों के ऊपर क्या कर रहा हूं, बराबर भागों में बांट रहा हूं, लेकिन तुम उसे अच्छे से स्वीकार कर रहे हो। ऐसे ही भगवान की कृपा सामान्य रूप से बट रही है, लेकिन भक्त लोग क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से स्वीकार कर पा रहे। और आप लोग उन सौभाग्यशाली भक्तों में से हैं, है ना? आवाज रिपीट क्यों हो रहा है? मतलब मैं बोलता हूँ, ये बोलता है, फिर कोई और बोलता है, तीन आवाज आती है मुझे, मैं रुक जाता हूँ कि मतलब क्या बोलूँ आगे। मतलब हॉर्न की आवाज आ रही है ना? हाँ, हॉर्न की आवाज आती है जब सब बंद हो जाते हैं तो एक हॉर्न वाला ट्यूमर। ओके, तो
और इसके लिए मालूम है क्या है, सत्संगम च लभ्यते पुरुषः यदावेत। कभी कभी कुछ लोग टीका करते हैं कि प्रभु जी बहुत कम लोग आ रहे हैं, मेरा बाजू वाला नहीं आ रहा है कथा सुनने के लिए, या फिर मैं बोलता हूं वो हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता, वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इस कथा परिसर में आने के लिए क्या चाहिए, बहुत भाग्य चाहिए, स्वीकृति चाहिए, पुण्य चाहिए, तभी कोई व्यक्ति आ सकता है। जब हमारे शास्त्रों में कहा गया है भाग्य उदयेन, जब हमारे भाग्यों का उदय होता है, और कौन से भाग्य का, एक दो भाग्य नहीं, कोटि जन्मेन सुकृतेन लभते। कितना, कोटि, कोटि मतलब क्या होता है, इतना तो संस्कृत आप लोग समझते होंगे, कोटि मतलब करोड़, करोड़ों भाग्यों का जब स्वीकृति इकट्ठा हो जाता है पुरुष जन्म के, करोड़ों करोड़ों भाग्यों का जब स्वीकृति एक साथ जमा होता है ना, तब जाकर के इस तरह से व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये हमारे पुण्य का उदय है, ये भक्तों का इस प्रकार से समागम है और हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समाजितेन, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदित होता है, तब सत्संगम च लभ्यते पुरुषः यदावेत, तब मनुष्य को किसी संत की कृपा, किसी संत का क्या होता है, संग होता है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं सभी लोग, हो ही नहीं सकता है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य हुए, पूर्ववर्ती आचार्य हुए, उन्होंने लिखा है संसार दावा नलली ढलो का। आप लोग डेली गाते हैं मंगला आरती में, क्या गाते हैं, संसार दावा नलली ढलो का। संसार क्या है, दावानल, दावानल के समान जल रही है। दावानल मतलब क्या होता है, बड़े बड़े जब आग जंगल होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आग लग जाता है, कभी कभी वो जंगल के घर्षण से, फ्रिक्शन से आग लग जाता है ना। तो इस दुनिया में काम, क्रोध, मद, मोह, माश्चर्य, ये अनेकों प्रकार का आग जन जन के हृदय में लगा हुआ है, सबके हृदय में लगा हुआ है, ये बाहर से नहीं दिखाई देता है, लेकिन सब लोग अंदर से जल रहे हैं। बाहर से तो एसी में बैठा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा है। चिंता, भय, शोक, ये सभी वस्तु अंदर से खाए जा रहा है व्यक्ति को, अंदर से खाए जा रहा है, खोखला कर देता है, रात दिन ये चिंता चलाती है। और किस प्रकार से, जैसे जंगल में कोई आग लग जाए वैसे दुख जलाता है। जैसे जब कोई जंगल होता है तो जंगल में बहुत प्राणी रहते हैं, बहुत जीव जंतु रहते हैं, अगर उसमें आग लगा दिया जाए, आग लग जाए तो क्या होगा, जंगल के जीव जंतु तिलमिला उठेंगे, छटपटा उठेंगे, है ना। वैसे ही व्यक्ति इस जगत में तिलमिला रहा है और उस तिलमिलाहट को ही आनंद समझ रहा है। हम सब लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे हैं तो हम दुखी हैं, धर्मपुरा में हैं तो दुखी हैं, हम यहाँ से पटना चले जाएंगे तो बड़ा आनंद महसूस होगा, पटना वाले सुखते हैं, बॉम्बे चले जाएंगे तो बड़ा आनंद महसूस होगा, अब बॉम्बे वाले सोचते हैं अमेरिका चले जाएं बड़ा आनंद हो जाएगा, अमेरिका वाले बोल रहे हैं जाऊंगा मंगल ग्रह पे, सुख कहाँ है, सब जगह ये आग है, हर जगह आग है ना। और ये आग तब तक नहीं बुझाई सकती, कब तक नहीं बुझाई सकती है, जब तक, कब तक नहीं बुझाई जा सकती, आप ही लोग थोड़ा बताइए।
जब जंगल में आग लगता है तो उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है? हेलीकॉप्टर में पानी भर के लेके जाएं और अगर बुझाने का प्रयास करेंगे तो बुझ जाएगा। नहीं बुझेगा तो शायद से क्या कहते हैं उसको, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाएंगे तो बुझ जाएगा। नहीं प्रूफ। क्या लग रहा है आप लोगों को? कृपा हो जाती भगवान की कृपा। बिल्कुल, कोई हेलीकॉप्टर से पानी गिराए, फायर ब्रिगेड से पानी फेंके, वह बुझने वाला नहीं है जब तक भगवान की कृपा ना हो और जब तक उस जंगल के ऊपर बादल नहीं जम जाए और उस जंगल के ऊपर झरझर करके बरस नहीं जाए तब तक वह बुझने वाली नहीं है। वैसे ही जीव रात दिन जल रहा और कब तक जलेगा? जब तक वह भगवान की कथा रूपी भक्तों के समागम में नहीं आ जाए भगवान की कृपा से और भगवान की कथा ना सुन ले तब तक वह जलते ही रहेगा। इसलिए गोपियों ने भी कहा ना क्या कि कृष्ण हम तो रात दिन जल रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए तो उनके शरीर का ताप ऐसा था क्या मतलब उसका वर्णन किया जाए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज मैं पिछली बार वृंदावन में था तो महाराज के साथ गोवर्धन की तलहटी में भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत सुंदर उद्धव जी का चरित्र कह रहे थे। तो महाराज बता रहे थे, बहुत सुंदर बात बता रहे थे, बहुत अद्भुत, आप लोग भी सुनिए। महाराज बताए कि भगवान और उद्धव जी दोनों मित्र हैं, दोनों परस्पर मित्र हैं। और जब एक बार क्या हुआ, होता है ना कभी कभी मित्र संध्या के समय चलो भाई थोड़ा नदी साइड घूम के आते हैं, चलो थोड़ा तालाब घूम के आते हैं। तो भगवान और उद्धव जी दोनों जमुना जी के तट पर गए घूमने के लिए। अब लेटे होंगे बालू में तो कृष्ण को ऐसा एहसास हुआ कि भाई क्यों ना थोड़ा स्नान कर लिया जाए। और जब स्नान करने के लिए गए, क्या करने के लिए गए? स्नान करने के लिए गए। कोई दिक्कत है वहां पे? क्या है? कुछ साइड हो जाइए। ओके, महाराज वर्णन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण यमुना देवी में स्नान करने के लिए गए और जब स्नान करने के लिए गए तो जैसे ही भगवान डुबकी लगाए और डुबकी लगाने के बाद उठे तो सहसा एक कमल का फूल भगवान से टकराया और उस कमल के पुष्प से श्रीमती राधा रानी का खुशबू आ रही थी और भगवान ने उसको उठाया। महाराज वर्णन करते हैं कि और कृष्ण जैसे ही उसको उठाए और उसकी खुशबू जो है भगवान ने लिया तो भगवान अचेत अवस्था में हो गए। अब एक कथा बहुत लंबी है, मैं जाऊंगा नहीं, मैं खाली आपको गोपियों का ताप बता रहा हूं। फूल लेकर के भगवान बाहर आए, उद्धव जी के पास बैठे तो उद्धव जी ने प्रश्न किया आखिर क्या है। तो घटना यह थी कि द्वारिका और वृंदावन दोनों यमुना के किनारे ही है ना, ऐसा ही कुछ, या फिर जहां भी भगवान हो, मुझे याद नहीं है कि कहां की कथा है, लेकिन भगवान यमुना में ही स्नान कर रहे थे। तो राधा रानी और गोपियां क्या करती थी, उन्हें संदेश भेजने के लिए कमल के फूल को उठाती थी और उसमें संदेश लिख करके यमुना देवी में छोड़ देती थी। तो हुआ क्या था कि जो कमल थे, कमल को उठाए थे और कमल का अग्रभाग मतलब ऊपर का भाग और मतलब जहां पे होता है ना, अब जैसे कोई कमल है, कमल में डंडी लगी होती है तो डंडी को पकड़ा और ऊपर इस प्रकार से उसको रखा,
तो कमल का नीचे का भाग और ऊपर का भाग जला हुआ था और बीच का भाग एकदम तरोताजा था। महाराज वर्णन करते हैं वहां पे, या इसलिए वहां पे जला था क्योंकि वहां पे राधा रानी ने उस कमल को पकड़ा था और एक जगह पे उनकी सांस जो है सो ऊपर के पन्नों में, ऊपर के जो पनखुड़ियां थी उसके ऊपर पड़ गई थी। तो शरीर इतना तप्त था कि ताजा ताजा कमल यमुना देवी से उठा करके ही उसको खाली पकड़े और उस पे सांस गिरा तो वह जल गया। इतना तप्त था शरीर, इतना जल रहा था। तो उस वैसे ऐसे तप्त जीवन को भी कह रहे हैं क्या? तव कथामृतम् ताप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कमशापहम्। क्या कह रहे हैं? मानो कोई कृष्ण गोपियों से पूछे कि कृष्ण गोपियों से पूछे कि गोपियां अगर तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो, इतना जल रही हो कृष्ण के विरह में, तो अपने शरीर को त्याग क्यों नहीं देती? क्या फायदा रख करके त्याग दो। तब गोपियां कहती हैं कि हम अपनी अपनी शरीर को तो कब का त्याग देती, लेकिन क्या करें, कृष्ण की कथा अमृत रूपी जो अमृत है ना, वह क्या कर रही है, अभी तक हमको जिला करके रखी है। तव कथामृतम् ताप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कमशापहम्। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणन्ति भूरिदाजना। तव कथा अमृतम, आपकी कथा क्या है, कृष्ण की कथा क्या है, तप्त जीवनम, जो हमारे जीवन में यह दावा अग्नि लगी हुई है उसको क्या है, बुझाने वाली है, है ना। तो यह भगवान श्री कृष्ण की कथा आप लोग तो सुन ही रहे थे तीन दिन से। आज एक नया टॉपिक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या विषय लिया जाए, क्या विषय लिया जाए। कुछ विषयों में कंफ्यूजन चल रहा था कि भाई कुंती स्तुति लें, भीष्म स्तुति लें, कि कृष्ण जन्म की स्तुति लें, अथवा हमारे प्रभु जी बोले नहीं प्रभु जी नरसिंह अवतार की कथा सुनाइए। तो बड़ा कंफ्यूज हो गया भाई, चार चार टॉपिक। फिर हमारे और रामशाह प्रभु की बात हो रही थी, प्रभु जी ने बड़ा सुंदर बोला कि प्रभु जी माताओं की संख्या अधिक है और माताओं में सहसा भक्ति होती है भगवान के प्रति। अब देवी कुंती की, अब क्लियर ही हो गया टॉपिक कि देवी कुंती की स्तुति लेनी है ना। और आप लोग देखेंगे कि एक स्त्री की भक्ति का लेवल क्या हो सकता है। वास्तव में अगर भक्ति करने सीखना है ना, वैराग्य भी सीखना है, तो किससे सीखना चाहिए, माताओं से सीखना चाहिए। बचपन में जिस घर में पली बड़ी उसको एक झटके में छोड़ करके चले जाती है और दूसरे जगह शिफ्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैराग्य। प्रभु जी लोगों को बोलो वैराग्य लेने के लिए, चलो कुछ लोग ले भी लेते हैं, चले भी जाते हैं वृंदावन, वहां जाकर के याद करते हैं अरे घर में ये सुख था। तो ऐसे भगवान की कथा क्या है, इस आग को बुझाने वाली है। ऐसे सत्संग में क्या होता है, तो कहते हैं कि संतों की संगति सस्तुति
का अंत कर देती है। मरने के बाद जो जन्म और जन्म के बाद मरण, फिर जन्म, फिर मरण, साइकिल अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहता है। तो इसकी इसको क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं, संस्कृति खत्म कर देते हैं उसको, है ना। इसलिए शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर कहा, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंद मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। संतापेशन निहिते काले, नहीं नहीं रक्षित जो प्रेम करणे, संतापेशन निहिते काले, नहीं नहीं रक्षित जो प्रेम करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। क्या कहते हैं, हे मूढ़मते, मूढ़मते मतलब हे मूर्ख व्यक्ति, क्या कर रहा है जीवन में, क्या कर रहा है, कितना बिजनेस करेगा, कितना पढ़ाई करेगा, कितना काम करेगा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मूढ़ गोविंद का भजन। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वो काशी में थे और क्या कह रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, एक ब्राह्मण बैठ करके जप कर रहा था, क्या डुक्रिम करने डुक्रिम करने डुक्रिम करने, उसने सोचा, क्या सोचा, अब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और बूढ़ा होने के बाद क्या हो जाऊंगा, मैं कैसे अपना खाना बिना करूंगा, कैसे मैं खाना चलाऊंगा, तो एक काम करता हूं, मैं संस्कृत सीख लेता हूं, क्या करता हूं, संस्कृत सीख लेता हूं, संस्कृत सीख लूंगा तो बड़े आराम से बच्चों को पढ़ाऊंगा और मजे से जीवन यापन होगा। लेकिन क्या शिक्षकों का जीवन बड़ा आराम से गुजरता है, नहीं गुजरता। उधर से ही वो रट रहे थे डुक्रिम करने, संस्कृत का एक व्याकरण है, डुक्रिम करने डुक्रिम करने डुक्रिम करने, तो उसी समय शंकराचार्य जी गए और कहे, क्या क्या ये डुक्रिम करने जप रहा है पागल, मूड मते गोविंद भज, क्या कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संतापे शन निहिते काले, नहीं नहीं रक्षित डूप्रेम करणे, संतापे शन निहिते काले, नहीं नहीं रक्षित डूप्रेम करणे, क्या कहते हैं, ये जो तो डुक्रिम
डुक्रिम करने रट रहा है ना, ये बुढ़ापे में तेरी रक्षा नहीं करने वाली है मृत्यु से। तू मरेगा और डुक्रिम डुक्रिम करेगा और भगवान आके तुझे नहीं बचाने वाले हैं, इसलिए क्या कर, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म ते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म ते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म ते, भज गोविंद किसको भजना है? गोविंद को भजना है। ए मूड मते, अब दूसरे को नहीं बोलना है, अपने को ही बोलना है। ए मूड मते, क्या इधर उधर भाग रहा, नहीं तो पता चला कल लड़ाई हो जाएगा। वो इसको बोले तू मूड मते है, तू मूड मते। मूड मते कौन है? हम खुद। ए मूड मते किसको भजना है? बीटेक एमबीबीएस किसको भजना है? एमबीए किसको भजना है? कंप्यूटर साइंस। अच्छा नहीं प्रोजे, ये सब तो थोड़ा टफ हो गया। सरकारी नौकरी सबसे बढ़िया यही है क्या? किसको भजना है? गोविंद को भजना है, गोविंद को भजना है। तो ऐसे ही एक बहुत अद्भुत गोविंद को भजने वाली एक माता जी के द्वारा भगवान की अद्भुत स्तुति, बहुत अद्भुत व्याख्यान है ना। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के ही प्रसंग में से ये प्रसंग आता है, जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ तब अर्जुन की सहायता के लिए भगवान स्वयं द्वारिका से आए और हस्तिनापुर में रुक गए। तो अर्जुन का, अब जानते हैं कि रथ चलाए, गीता ज्ञान दिए, युद्ध कराए, और जब सारे कौरव मारे गए, पांडव क्या हो गए? विजय हो गए। तब भगवान ने देखा कि अब यहाँ सब कुछ क्या है, बड़ा अच्छा है। तब कुछ युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेकर के नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन इत्यादि से मिल करके भगवान ने कहा आप चलते हैं, हम कितना दिन रुकेंगे, आखिर गेस्ट तो गेस्ट ही होता है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। बोले अब तो जाना ही पड़ेगा। तो भगवान देवी कुंती इत्यादि से आदेश लेकर के देवी कुंती को प्रणाम किया और युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किए, अर्जुन भीम नकुल सहदेव से मिल करके रथ के ऊपर सवार हो गए। कृष्ण रथ पर बैठे हैं और उद्धव जी और सात्विकी जी भी विराजमान है, ये भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के चामर डोलाते हैं, ये शोभा है भगवान की। बस आदेश देना बाकी है ना, रथ का क्या कहते हैं इसको, लगाम भी पकड़ लिए हैं, बस ऐसा मतलब जैसे मतलब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, खाली क्लच छोड़ना बाकी। जैसे ही रथ चलने ही जा रहा था तभी एक आश्चर्यमय घटना घटी। द्रोणाचार्य के एक पुत्र हुए जिनका नाम क्या था? अश्वत्थामा। उसने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, कितने? 6, 5 पांडवों के ऊपर और 1 पांडवों का कुल अभिमन्यु का जो पुत्र उत्तरा के गर्भ में थे उनके ऊपर। उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था। यह सोचकर अश्वत्थामा ने मारा कि पूरे कुल का ही विनाश कर दूंगा। 5 बाण लगेगा किसको? पांडवों को, और 1 बाण लगेगा उत्तरा के गर्भ को, पूरे कुल को विनाश, क्लीन, नीट एंड क्लीन, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए है ना।
अभी आया। तो अश्वत्थामा ने 5 वन 6 वन छोड़े, ठीक ना। तो उत्तरा ने जब देखा कि एक बाण मेरी तरफ भी आ रही है, तब उत्तरा दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आई और आकर उत्तरा कृष्ण के पास आई और कहने लगी, क्या पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वत्भयं पश्ये यत्र मृत्युपरस्परम्। हे जगतपति, हे महायोगिन, पाही माम पाही माम, आप मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण रथ पर थे, रथ चलने जा रहा था, उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ते हुए आई। कृष्ण पाही पाही बचाइए बचाइए, मेरी रक्षा करिए। मानो कृष्ण पूछा, क्या हुआ उत्तरा, क्यों इस प्रकार से दौड़ती हुई आ रही। उत्तरा ने कहा कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जलते हुए मेरी तरफ आ रहा है, इस ब्रह्मास्त्र से आप मेरी रक्षा करिए। उस समय कृष्ण कहे कि उत्तरा, तुम मुझसे रक्षा मांगने क्यों आ रही हो, मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, मैं तो एक साधारण गाय चराने वाला क्या हूं, ग्वाला, मैं तो गाय और बछड़ों में लगा रहता हूं, मेरा कार्य बांसुरी बजाना है, क्या करवा रही हो तुम मुझसे, युद्ध करना है तो इन पांडवों से सीखो, युद्ध करना तो ये पांडव लोग जानते हैं और अभी अभी ताजा एकदम एक्सपीरियंस्ड हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में विजय प्राप्त करके आए हैं। बिल्कुल वेल एक्सपीरियंस्ड है, जाओ तो तुम पांडवों के पास जाओ, अर्जुन के पास जाओ, तुम्हारे ससुर हैं युधिष्ठिर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे। तब उत्तरा ने बहुत सुंदर बात कहा, क्या कृष्ण, मैं मानती हूं ये पांचों पांडव बहुत बड़े योद्धा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इन पांचों पांडवों को एक मिनट में हजारों लोगों को मारने के लिए कहा जाए तो ये क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं एक मिनट में हजारों लोगों को, और अर्जुन तो स्पेशली कितना को उड़ा देगा कहना मुश्किल है, दाएं 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 एकदम खत्म। ये पांडव एक मिनट में हजारों लोगों को मार सकते हैं, लेकिन कृष्ण मरे हुए को जीवित करने का कार्य तो केवल एक ही आप ही कर सकते हो ना, और कोई नहीं कर सकता। जीवन दान तो कौन दे सकता है, कृष्ण, और कोई न अन्यम तो अभियम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, इस संसार में लोग एक दूसरे को मारे कर सकते हैं, इस संसार में हम रोज देखते हैं प्रतिदिन न्यूज चैनल में, अभी तो देख ही रहे होंगे, स्पेशली दो देश आपस में लड़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे को मारने के लिए, कभी सुना है एक एक व्यक्ति मरा था और दो चार आदमी गए और उसको जीवित कर दिए, कभी सुना है ऐसा, नहीं, एक दूसरे को मार सकता, यही बात कह रहे हैं कृष्ण। और ये धन संपत्ति भी रक्षा नहीं कर सकते, अभी अभी तरुताजा शंकराचार्य जी ने कहा ना, ज्ञान भी रक्षा नहीं कर सकता, यही हुआ। उत्तरा ने कृष्ण को कहा, आप मेरी रक्षा करें। कृष्ण एक और परीक्षा ले, कहा कि उत्तरा, तुम तुम्हारे पति मर गए हैं, तुम भी मर जाओ, क्या लगा हुआ है, तुम्हारे पति कौन थे, उनके पति अभिमन्यु, वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, मर गए, तो तुम भी मर जाओ, तुम जीवित रह के क्या करोगी, जिनके पति मर जाए उनको जीने का क्या लाभ, मर जाओ। जी अभिना देह नदी बिन वारी ऐश हुनाथ पुरुष बिना नारी, सीता जी का उद्गार, जैसे पानी के बिना नदी कुछ
काम का नहीं रहता, जैसे प्राण के बिना शरीर कुछ काम का नहीं रहता, वैसे पति के बिना स्त्री कोई काम की नहीं, उस पत्नी को कभी सुख नहीं मिल सकता। पुत्रा तुम्हारे पति इस संसार में नहीं रहे तो तुम भी मर जाओ, क्या करोगी रह करके, क्या प्रॉब्लम है, मर जाओ। पुत्रा ने बहुत सुंदर बात कही, कृष्ण मुझे मरने का कोई गम नहीं, मुझे मार दो चलेगा। अभिद्रवती माम ईशा स्वर तप्त ऐशह विभो कामम दत्तु मामनाथ मामे गर्वो निपात्यताम। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं भले मर जाऊं, मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मार दो, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उस बालक को एक खरोच भी नहीं आए, कृपया आप ये ध्यान रखिए, आपके आपके चरणों में ये प्रार्थना है। आर्य आर्यव्रत की, भारतवर्ष की नारियों की मर्यादा है, स्वयं मरने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने गर्भ की रक्षा करते। परंतु भक्तों आज समय बदल गया है, आज घोर कलयुग आ गया है, आज के समय काम वासना से पीड़ित होकर पुरुष स्त्री संग करते हैं और जब गर्भ में बालक हो जाता है तो उसका गर्भपात कर देते हैं। कलयुग में आज यह प्रचंड मात्रा में हो रहा है, यह बहुत बड़ा पाप है, गर्भपात कराना बहुत पाप। भागवत हमें बताता है, देवी उत्रा ने कहा मैं भले मर जाऊं, आप मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। और उसी समय पांडवों के ऊपर 5 ब्रह्मास्त्र आए एक समय में, उत्तरा एक समय एक एक बाण उत्तरा के गर्भ पर और 5 पांडवों के। तो कहते तरही एव, यहां पे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं तरही एव, सुख गोस्वामी कहते हैं तरही एव, तरही का अर्थ है उसी समय, है ना। तभी 5 पांडवों पर 5 बाण आए, ये 5 बाण आए और ये पांडव एकदम अनभिज्ञ थे, इन्हें पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर बाण आ रहा ब्रह्मास्त्र। वे लोग देखे कि एक बाण आ रहा है, एक-एक भाई एक-एक बाण का लक्ष्य कर, एक-एक भाई के ऊपर एक-एक बाण लक्ष्य करके आ रहा है। वे पांचों अपना अपना अस्त्र शस्त्र उठा लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र का तोड़ अन्य अस्त्रों से नहीं, किसी 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 अस्त्र से ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार संभव नहीं। तो उसी समय भगवान ने अपना सुदर्शन से उनकी रक्षा कर ली। अब देखिए एक बात, पांडव भगवान को नहीं बोले कि आप मेरी रक्षा करिए, है ना, पांडव भगवान को ये बात नहीं बोले कि आप मेरी रक्षा करिए, 5 बाण हमारे तरफ आ रहे हैं, आप हमारी रक्षा करिए, नहीं करिए, या प्रार्थना करते प्रभु बचाओ बचाओ ब्रह्मास्त्र आ रहा है, नहीं। लेकिन देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, कितने अद्भुत कृपालु हैं, आप देखिए कितना उनका स्नेह है। भगवान देखिए कि ये पांडवों पे बहुत विपदा है, विपदा क्या थी उनके लिए, क्या विपदा थी कौन बताएगा, जो बताएगा, कल अगर गुलाब जामुन आएगा ना यहाँ पे तो उसको गुलाब जामुन मेरे तरफ से, बताओ बताओ क्या विपदा थी, थोड़ा दिमाग लगाइए। नहीं ओ वीरा राम श्याम प्रभु, तो फिर तो अपने से गुलाब जामुन लाके खा लीजिएगा। तो भागवत में आया है अपरिहार्य, अपरिहार विपदा थी, क्या थी यह अपरिहार विपदा, किस कारण से वह शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे, क्या क्या विपदा थी, क्या अभी तो बताया विरह, क्या विरह था, कितने अपने भाई लोग मारे गए थे, ये कुछ पुत्र मारे गए थे, ये क्या विरह थी, क्या विरह थी बताइए, वंश डूब रहा था, क्या था, किस कारण से अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे,
कृष्ण जा रहे थे। प्रभु जी को भी एक गुलाब जामुन। डायबिटीज तो नहीं है ना? डायबिटीज भी है तो कृष्ण प्रसाद हरि बोल। तो अपरिहार विपदा थी कि कृष्ण उनसे विदा ले रहे थे और वह कृष्ण भक्ति में एकदम क्या कहते हैं सराबोर थे पांडव। पांडव का मन चित कृष्ण के अलावा कहीं नहीं जा रहा था। भगवान के भावी विरह से वो जर्जर हो रहे थे। भगवान आप जा रहे हैं ये सबसे बड़ी विपदा थी उनके लिए। उस दशा में भगवान अपनी रक्षा वो क्या करेंगे और क्या स्तुति करेंगे, भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे। तो ऐसी अवस्था में भगवान ने अपने सुदर्शन से क्या किया, उनकी रक्षा कर ली। पांडव ने कोई प्रार्थना नहीं की भगवान से रक्षा, लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि बिना प्रार्थना के रक्षा कर। जैसे कभी कोई मां अपने बेटे से ये आस नहीं करेगी कि मेरा बेटा बोले, इसको सांप किसी बच्चे को काटने के लिए आ रहा है और माँ वहीं बैठी है, तो माँ ये इंतजार तो नहीं करेगी कि मेरा बेटा मुझे इशारा करे अथवा मुझे बोले कि माँ मुझे बचाओ बचाओ सांप आ रहा है। नहीं ना, वह क्या करेगी, माँ झट से जाएगी अपने बच्चे को उठाएगी अथवा सांप को उठा करके बाहर फेंक देगी। कभी वह ये आस नहीं करेगी कि मुझे पुकारे। तो यहाँ पर भगवान ऐसे ही नहीं सोचे कि ये मुझे पुकारे तब मैं इसकी रक्षा करूंगा, नहीं, भगवान तुरंत उनकी रक्षा कर लिए बिना बोले। यही है भगवान की कृपा, उनकी रक्षा कर ली। यही है कृष्ण, कृष्ण की विशेषता। भगवान ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि ये पुकारे तब मैं उनकी रक्षा करूंगा। भगवान भक्ति को याद रखते हैं, बहुत पहले की गई थोड़ी सी भी भक्ति को भगवान क्या करते हैं, याद रखते हैं। ध्यान रखिए, ये उनका स्वभाव है, कृष्ण का ये स्वभाव है कि वो भक्ति को याद रखते हैं। और हमारा स्वभाव क्या है, दोपहर में क्या सुनाए थे प्रभु जी अभी भूल गए। आत्मा के 6 लक्षण बताए गए थे, उसमें कहीं ये लक्षण नहीं है। 8 लक्षण बताए भगवान, जन्म मृत्यु नहीं होना, बीमार नहीं होना, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, इस प्रकार से 8 बताते हैं। तो उसमें कहीं ये नहीं गिना है कि भूल जाना, लेकिन प्रभु जी वो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट है, हम भूल ही जाएंगे। तो भगवान भक्ति को याद रखते हैं, पूर्व में किए गए, हमारे पूर्व 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 के जन्मों में भी किए गए थोड़ी सी भक्ति को भी भगवान याद रखते हैं और हम भूल जाते हैं। यही अवस्था देवी देवताओं की भी है, वह भी याद नहीं रखते, बस थोड़ा सा करो जब तक तब तक, फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये स्वभाव है। लेकिन भगवान का स्वभाव है बहुत पहले की गई थोड़ी सी भक्ति को भी याद रखते हैं। भागवत में उदाहरण, अन्य शास्त्रों में उदाहरण, जैसे गजेंद्र जी, मुचकुंद महाराज, भगवान याद रखते। भगवान को कोई एक राई भी देते हैं ना, राई समझते ना, सरसों, सरसों, एक सरसों के बराबर भी कुछ चीज दे दे तो भगवान उसे सुमेरु पर्वत की तरह देखते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना अच्छा है मेरे लिए, मतलब एक सरसों लेकर के आ रहा है, एक तिल लेकर के आ रहा है, बहुत बृहद रूप में भगवान देखते हैं। और हमारा क्या है, 1 किलो सरसों भी देता तो सरसों ही तो दिया था, सरसों का तेल थोड़ी दिया, पिसवाना तो हमी को पड़ेगा। इन कृष्ण से याद रखते हैं और उसके बदले ही वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। लेकिन फिर भी हमें फुर्सत कहाँ भगवान के लिए, हम तो बस अपने बीवी बच्चों में पड़े रहते हैं और क्या। बस उन्हीं में लगे रहते हैं। ध्यान रखिए, संसार में आप किसी को कितना भी प्रेम करिए, सब कुछ कीजिए, सब कुछ दे दीजिए, आप एक दिन मिस कर गए तो पूर्व के सारे किए हुए बेकार हो जाता है। जीवन भर रक्षा किया, एक बार आप चुप कर गए तो इसने मेरे लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। वैसे माताओं का एक सिंपल सा
क्या होता है डायलॉग, आज तक कभी कुछ दिए हैं? एक रुपया भी जानते हैं हम आपका? महाराज याद नहीं रहता है, इसलिए महाराज कहते हैं कि भाई आजकल लोग करने के साथ साथ कहते भी हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम याद नहीं रहता है। अपने पत्नी को, अपने बच्चों को कहना पड़ता है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आई लव यू। अनेक बार कहना पड़ता है। महाराज कहते हैं कि विदेशों में एक दिन में एक दो बार नहीं बोला तब तक तो माता जी के मन में संशय होने लगता है कि भाई क्या बात है, गुरु महाराज कह रहे थे कथा में कि क्या बात है, सवेरे से एक बार भी नहीं बोला, भले अंदर कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिप्स पे, जीवा पे होनी चाहिए बस। वैसे महाराज कहते हैं कि कहना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, गुरु महाराज की कथा मैंने सुना है, गुरु महाराज कहते हैं गलत नहीं है, कहिए। एक जीव दूसरे जीव से अपेक्षा रखता है कि हमसे प्रेम करे। जीव की जो प्रेम वासना है ना, एक दूसरे से इस प्रकार से करते हैं कि भाई संतुष्ट हो जाए, लेकिन ये संतुष्ट होता ही नहीं है। कब तक? जब तक कि जीव एक कृष्ण को जाकर के नहीं कहे आई लव यू कृष्ण, तब तक यह संतुष्ट नहीं होता। कृष्ण से कहेंगे आप ना, तो फिर कृष्ण तो आपके लिए कुछ भी कर देंगे। और आजकल सबसे अच्छा, आज तो सबसे बढ़िया ऑप्शन कृष्ण को आई लव यू कहने का क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा। कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, इसके लिए उनको जाके ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनका नाम ही ले लिए तो वो काफी है। कृष्ण से प्रेम करें तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। राधा रानी थोड़ी सी नाराज हो जाती है ब्रज में तो भगवान तो तुरंत चरणों में गिर जाते हैं, सोच लीजिए यह स्थिति है। तो यहां पर पांडव भगवान से नहीं बोले कि हमारी रक्षा करें, लेकिन भगवान अपनी सुदर्शन से उनकी क्या किए, रक्षा कर ली। कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने भगवान से हमेशा प्रार्थना करें कि रक्षा करिए, वो स्वयं करें, हम तो प्रेम करें वो रक्षा स्वयं कर लें। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वह सभी गुणों से पूर्ण है ना, इसलिए वेदों में कहा क्या, ओम पूर्णमदः और पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ही पूर्ण है और दूसरा बाद बाकी सब अपूर्ण, कोई इस जगत में पूर्ण नहीं है, सभी गुणों से कृष्ण पूर्ण है। लोग कहते हैं सब की सब कुछ छोड़ करके जाओ कृष्ण के शरण में, भगवान के पास कुछ मन मत रखो, कुछ मन में मत रखो, सब कुछ छोड़ के जाओ, कोई कामना मत रखो। अरे रखो यार, जितनी कामना रखनी है रखो, जो रखना है मन में सब रखो, खूब कामना रखो, लेकिन भगवान के पास जाओ तो सही, जाओ तो सही। हम लोग सुनेंगे कल कि चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, कल मॉर्निंग में कौन कौन से लोग हैं कल बताऊंगा, आधे घंटे का क्लास लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो जो चाहिए कृष्ण देते हैं, रखो तो सही, और साथ ही साथ भगवान वो इच्छा भी क्या करते, खत्म कर देते हैं। ध्रुव महाराज के मन में सबसे बड़ी इच्छा थी इस जगत की, सबसे बड़ी इच्छा कि मुझे मेरे पिताजी से भी ज्यादा बड़ा, मेरे दादाजी से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन जब भगवान प्रकट हो गए ना, तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं मालूम है? भगवान कहते हैं ध्रुव मांगो, मांगो क्या चाहिए? ध्रुव बोलते नहीं चाहिए, मांगू ना यार मैं आ गया, मांगू कुछ तो ले लो। ध्रुव महाराज कहते छोटा बालक है, प्रभु कुछ चाहिए? अरे कुछ तो ले लो, मैं आया हूं तो मेरा आना थोड़ी निरर्थक जाएगा, कुछ तो ले लो। नहीं चाहिए,
बोले प्रभु आपकी कथा आपका रूप इतना मादक है, जब कोई व्यक्ति देख ले कोई सुन ले तो उसे और क्या चाहिए, कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं। बोले अरे मेरा भगत है, इसका भगत है, मेरा भगत है, और इसका राज्य जो है सो सबसे ऊपर होना चाहिए, और आज भी वो राज्य विराजमान है। कौन सा? धूलोक। भगवान के भगत है, अद्भुत होती है ना, भगवान के पास अद्भुत है, जो भी चीज चाहिए ना भगवान के पास अद्भुत है। अब ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग करते हैं ना, एक कल्पतरु के समान है, डिजायर ट्री, जो इच्छा है पूर्ण करेंगे। इसलिए बच के बच के, अद्भुत रूप है भगवान के पास, अद्भुत धन है उनके पास। सुदामा जी गए थे ना भगवान के पास, लेकिन संकोच से कुछ मांगे नहीं। समय हो गया कि 9:30 तक लेना है, खत्म करते हैं, ठीक है, सुदामा जी के ले लेते हैं 10 मिनट और फिर खत्म कर देते हैं। 9:15, ओके, आज थोड़ा विलंब से कथा शुरू हुई है, दोनों टाइम कल से शुरू करें। तब जानते हैं कि सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, बड़े गरीब ब्राह्मण थे, धोती भी सैकड़ों जगह से फटी होती थी, एक छोटी सी पटली में, पोटली में चूड़ा, चूड़ा जानते हैं आप लोग, चूड़ा वही बांध करके लेके गए थे भगवान के लिए। हम लोग बचपन में सुनते थे चाऊर चाऊर, समझ में नहीं आता था, फिर गुरु महाराज का कथा सुना तब पता चला था चूड़ा लेकर के गए थे, है ना। तो बहुत सुंदर, भगवान परात लाए, उनकी पांव को धोए, तो कहते पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अपनी भगवान की आंखों में इतनी आंसुओं की धारा बही कि उससे ही भगवान ने सुदामा के पांव को धो दिया। रुक्मणी जी आश्चर्य में थी, भाई ये कौन आ गया है, ये गरीब ब्राह्मण के लिए भगवान एकदम आज दौड़ रहे हैं, क्या बात है। पांव धोए तो भगवान सुदामा जी के साथ हंसी करते हुए कहते बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी बड़े चिंता में थे, सोचे अरे भेजा तो है लेकिन क्या भेजा है, वही सूखा हुआ चूड़ा, थोड़ा शक्कर भी डाल देता, थोड़ा घी भी डाल देती तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता। सुदामा जी छिपाने लगे, भगवान कहने लगे अरे नहीं नहीं, मेरी भाभी मेरे लिए जरूर कुछ भेजी होगी, कुछ तो बताओ क्या भेजा है, क्या भेजा है। कुछ नहीं। और जैसे ही वो छीना झपटी किए, वो थोड़ा और दबाने का प्रयास किए, वो भी कपड़ा जर्जर था, थोड़ा सा दबाने का प्रयास किए, वो चूड़ा फर्श के ऊपर गिर गया और भगवान वहीं फर्श के ऊपर बैठ करके घुटने के बल उस चूड़ा को समेट करके उसी फर्श से उठा करके खाने लगे। रुक्मणी जी ने रोका, प्रभु इससे आपके दांत कच्चे हो जाएंगे, मसूड़े छिल जाएंगे, मत खाओ। लेकिन फिर भी भगवान ने 2 मुट्ठी चूड़ा खा लिया, 3 मुट्ठी नहीं खाया, 2 ही मुट्ठी खाया। और कहते हैं कि मैंने वृंदावन में बहुत माखन खाए, बहुत मिश्री खाया, बहुत जगह खाया, लेकिन इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक मैंने नहीं। दोनों मित्र के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ, बहुत सुंदर वार्ता हुई। और जब विदा हुए सुदामा जी तो शर्म के मारे, अब देखिए भगवान की महानता, शर्म के मारे भगवान नहीं कहे कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान विचार कर रहे थे। भगवान का क्या है, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस्ते हम भजाम्य हम, आप जिस प्रकार से मेरे पास आओगे सेम चीज रिटर्न, है ना, जिस प्रकार की आपकी स्थिति है और जिस प्रकार से आप मेरे पास आओगे वैसे ही मैं दूंगा तुम्हें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मेरे लिए 10 रुपए वाला घी और अपने लिए 1000 रुपए वाला घी वैसे ही मिलेगा, है ना। इसलिए भगवान को सबसे बढ़िया चीज देना चाहिए। एक बार वृंदावन में, वृंदावन के मंदिर में बहुत सारे रूह अफजा की बोतलों, शरबत होता है ना, बोतल कोई रख के रख दिया, तो हमारे प्रभु जी हिज ग्रेट श्री कृष्ण प्रभु वहां पे आए, देखे बड़ा खुश हुए, बोला रे टेंपल मैनेजर हैं प्रभु जी, तो बड़े खुश हुए, बोला रे ये तो बड़ा अद्भुत है। फिर उठाया तो देखते अच्छा एक्सपायर है, एक्सपायर हो गया तो मंदिर में दे दो।
फिर भगवान भी ऐसा ही उसको रिटर्न करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसा एक्सपायर चीज उन्हें भी मिलने वाली। है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कृष्ण को क्या दे रहे हैं। भगवान नहीं कह रहे हैं कि मैंने आपको कुछ दिया है, क्यों? क्योंकि भगवान विचार कर रहे हैं कि सुदामा के पास जितनी शक्ति थी इसने सब कुछ लगा दिया मुझे देने के लिए, जितनी भी शक्ति थी इसके पास इसने सब कुछ से पूरी मेहनत करके मेरे लिए तीन मुट्ठी चूड़ा लेकर के आया। अब मेरा तो वचन है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते हम बजाम्यहम्, जो मेरे पास जैसे आएगा मैं उसको वैसे ही दूंगा। अब मुझे चाहिए कि मैं अपना सब कुछ मेहनत करके जितनी ताकत है उतना लगा करके इसको दे दूं। अब मेरी ताकत क्या है कि मैं पूरा ब्रह्मांड सब कुछ इसे दे दूं, लेकिन दे क्या रहा हूं, द्वारिका जैसा एक राज्य, और कुछ तो दे नहीं रहा हूं। तो इसीलिए भगवान कह रहे दे रहे हैं बहुत बड़ा द्वारिका जैसा राज्य, लेकिन कह रहे हैं कुछ भी नहीं दिया, कुछ धन भी नहीं दिया। इस शर्म के मारे भगवान नहीं बोले, ये भगवान की बात। है ना, तो इस प्रकार से देवी उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना किया, तो कहते पांडवों की रक्षा भगवान इस प्रकार से करते हैं जैसे आंखें पलकों की रक्षा करते हैं। कोई कंकड़ हमारे आंख के सामने आए तो पलक क्या होता है, तुरंत गिर जाता है। कोई उंगली भी लेकर के जाए तो आंख बंद हो जाती है। तो वैसे ही भगवान उन पांडवों को रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि भगवान वैसे पांडवों की रक्षा करते थे जैसे पलकें आंखों की रक्षा करते हैं। तो उनके ऊपर अनेक विपदा आई, अनेक आपदाएं आए, अनेक ब्रह्मास्त्र आए, लेकिन भगवान ने उसे सुदर्शन से निष्कर कर दिया, पांचों ब्रह्मास्त्र उसने बता दिया। और तुरंत भगवान उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर कृष्ण रथ पर जो बैठे थे बाहर से भी रक्षा किए और सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश कर गए और दो अस्त्र लेकर के गए, एक हाथ में गदा और एक हाथ में सुदर्शन लेकर के गए, दो अस्त्र शस्त्र लेकर के गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और भगवान चारों तरफ से घूम घूम कर क्या किए, उनके गर्भ की रक्षा कर ली। गदा घुमाते हुए ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया और गर्भ में वहीं पर महाराज परीक्षित ने प्रथम बार कृष्ण का दर्शन किए और उनको फिर कभी भूल नहीं पाए। हमेशा परीक्षण करते रहते थे बाहर आकर के भी, वे कौन है जिसने मुझे ब्रह्मास्त्र से बनाया, आंखें उनकी खोजती रहती थी। इसलिए कृपाचार्य जी ने उनका नाम रख दिया, क्या परीक्षण करो दीदी, परीक्षित महाराज। अद्भुत छवि, एक बार चढ़ गया वो रूप तो फिर उतरा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से रक्षा हुई। अब आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि दो अस्त्र शस्त्र लेकर के क्यों गए भगवान, दो दो आयुध लेकर के क्यों गए, तो इसका आंसर कल, और कल से ही देवी कुंती की स्तुति प्रारंभ। यहीं से देवी कुंती एक श्लोक कहती हैं और अपना स्तुति प्रारंभ करती है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। वास्तव में कथा तो प्राय बहुत लोग जानते ही हैं, लेकिन इस कौन में जब से मैं जुड़ा इस्कॉन से, तब से इस्कॉन के प्रति इतनी रुचि या इन कथाओं के प्रति इतना इंटरेस्ट है। इसलिए हुआ क्योंकि इसमें आचार्यों ने जो टीका लिखा है
आचार्यों की जो मत है, आचार्यों का जो भाव है, ये अन्यत्र और कहीं श्रवण करने को नहीं प्राप्त होता है। अब विचार कीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण, चार वेद, 17 पुराण, सब कुछ लिखने के बाद अंतिम पुराण, सारे वेद शास्त्र उपनिषद सबका सार है, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्तुति किसकी है, तो एक स्त्री की। और वो कुंती महारानी के उद्गार कैसे होंगे व्यक्ति सोच सकता है। तो वास्तव में आगे के सत्र में हम लोग कल परसों नरसों सुनेंगे प्रभु जी के मुखारविंद से कि कुंती महारानी ने किस प्रकार से भगवान की स्तुति की है। तो आइए हम प्रभु जी का हृदय से महामंत्र से भार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल सुबह का कार्यक्रम ठीक 5:30 बजे मंगला आरती, इसके बाद नरसिंह आरती, तुलसी आरती और चैतन्य शिष्टकाष्टकम। इसके बाद उसी समय तुरंत चैतन्य शिष्टकाष्टकम के जस्ट तुरंत बाद प्रभु जी के द्वारा भगवत गीता, जैसा कि बताया ना कि चार प्रकार के लोग भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हैं, बहुत सुंदर गीता अमृत क्लास। और वास्तव में महाराज जी तो कहते हैं कि भक्तों को सबसे पहले गीता का श्रवण करना चाहिए, गीता का पठन पाठन करना चाहिए, वो भी और गीता नहीं, केवल एज इट इज गीता यथारूप, भगवत गीता यथारूप। क्योंकि जब हम भगवत गीता का श्रवण और पठन पाठन करते हैं तो हमारी योग्यता बनती है श्रीमद् भागवत को समझने की। और जब श्रीमद् भागवत को समझते हैं, श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, तब हमारी इजिलिटी योग्यता बनती है चेतन चरितामृत को पढ़ने और समझने की। तो बहुत सुंदर गीता क्लास प्रभु जी का, तो ऑनलाइन मैंने सुना है कभी कभी यथासंभव जब समय मिला है, बहुत सुंदर ढंग से प्रश्न और यही होना चाहिए, इससे हमारी जिज्ञासा और बढ़ती है, हमें पता चलता है, बताना चाहिए, गलत ही बताएं, नहीं जानते हैं तो गलत बताएंगे, जैसे मदन मोहन जी बताए या और सब भक्त बताते थे। तो जो हम जानते हैं उसको बताना चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही हो, तभी तो हम जानेंगे कि हम कहाँ गलत है, कहाँ मिस्टेक है। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, जब भी प्रश्न हो तुरंत बताना चाहिए सही या गलत, जो भी हम जानते हैं। हरे कृष्णा।